ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपके ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। माँ भगवती कृपा सदा आप पर बनी रहे, घर में सुख और समृद्धि रहे। आज का विषय हमारा राशिफल का है। बात करेंगे जून महीने की राशिफल की, कैसा रहेगा आपका राशिफल, कैसा साथ देगा आपका भाग्य, क्या कहती है इस मास की आपकी राशियाँ, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए और अंत में उपाय जाने। बात करते हैं हम मीन राशि की। मीन राशि वालों को धन का आगमन होगा, धन में वृद्धि होगी। इस मास में आपको यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति मिलेगी। मीन राशि वाले जातक एवं जातिका दोनों को इस मास में अचानक से धन प्राप्ति के साधन बनेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में प्रमोशन पदोन्नति के अवसर देखने को मिलेंगे, या फिर उन्हें जो उनका फंड किसी कारण से रुका हुआ था वह फंड उन्हें मिलने का योग है। व्यापारी वर्ग के लोगों को इस मास में अच्छा धन प्राप्ति का योग रहेगा। उनका बिजनेस एवं कारोबार अच्छा चलने का समय है। आपको अचानक से धन के साधन मिलेंगे। जो लोग शेयर मार्केट करते हैं उन्हें शेयर मार्केट से लाभ देखने को मिल सकता है। परंतु व्यक्तिगत कारणों से उचित लाभ में नहीं मिल पाएगा। आपके व्यक्तिगत कारणों के कारण आपको उचित लाभ कम मिलेगा। गुरु के साथ मंगल का भी संचार तथा शनि साढ़े सती रहने से निकट बंधु भाई भाइयों से आपका मतभेद रहेगा, उनसे आपका कलह क्लेश की परिस्थितियां उत्पन्न होगी। थोड़ा सा घर में कलह क्लेश एवं वाद विवाद हो सकता है। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। कपिलों को इस मास में संतान सुख प्राप्ति के अच्छे योग हैं। आपको संतान के द्वारा भी अच्छा सुख मिलेगा। बात करते हैं आपके कैरियर की। इस मास में वह आप अपना कैरियर अच्छा बना लेंगे। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनका पढ़ाई में मन लगेगा, वह पढ़ाई में अच्छा सफलता प्राप्त करेंगे। विदेश यात्रा के योग है। यदि आप विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हो तो ये समय आपके लिए अति उत्तम है। जो लोग आईएलएस का पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पेपर की डेट निर्धारित करना चाहते हैं, वो इस मास में अपना पेपर की डेट निर्धारित कर सकते हैं। आपका पेपर अच्छा रहेगा जिसमें आपको सफलता मिलेगी। इस बार आप पढ़ाई में अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे। जो लोग व्यापारी वर्ग से संबंध रखते हैं वो नया व्यापार करेंगे जिसमें आपको खूब लाभ मिल सकता है। आपका व्यापार अच्छा रहेगा। आप नए नए व्यापार करेंगे, नए नए व्यापारों के आपको अवसर प्राप्त होंगे। बात करते हैं आपके हेल्थ की। इस मास आपकी सेहत अच्छी रहेगी, हृष्ट पुष्ट रहेगी। मंगल के कारण थोड़ा सा शरीर कष्ट हो सकता है, परंतु आपका मन भी थोड़ा सा अशांत रहेगा। शरीर हृष्ट पुष्ट रहेगा, आप कोई बड़ी व्याधि से आपको छुटकारा मिलेगा। बात करते हैं जीवन साथी एवं लव लाइफ की। विद्यार्थी वर्ग को अपने कैरियर में अच्छे जीवन साथी का सहयोग प्राप्त हो सकता है। भाव मीन राशि वालों को विवाह के योग लग रहे हैं। आप
आपको अपने जीवन साथी से अच्छा सहयोग मिलेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। जो लोग अनमैरिड हैं वह अच्छा जीवन साथी मिलने का योग है और आप प्रेम के लिए संबंध भी बनाएंगी। आपके नए नए मित्र बनने का योग है, आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। अब हम उपाय जानते हैं। मंगल और शनि की वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। मंगल और शनि के बीज मंत्र का पाठ कराएं, हनुमान जी का लेप कराएं और प्रसाद बांटें, आपके लिए अच्छा है। ये फलादेश आपकी जन्म कुंडली के अनुसार है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपकी राशि मीन है तो ये फलादेश आपके लिए 100% स्टिक है। नेक्स्ट मास में हम आपको राजयोगों के बारे में बताएं। क्या आपकी कुंडली में भी राजयोग है? आपकी कुंडली में भी गज केसरी यह महापंचभूत राजयोग है, जिसका दर्पण से मनुख राजयोग जैसा जीवन व्यतीत करता है। उसका प्रभाव दशो दिशाओं में होता है। भय सुख साधनों का भरपूर उपयोग करता है। उसका जीवन राजयोग की तरह व्यतीत होता है। क्या आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई राजयोग है? परंतु कईयों की कुंडली में राजयोग होता है, परंतु कई दोषों के कारण उसे पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। जैसे आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको उस राजयोग की पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त होगी। नमस्कार प्रिय साथियों।